कई बार ऐसी दिक्कत आती है लड़कियों के साथ कि पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग एकदम ना के बराबर होने लगती है, कई बार तो खुद ब खुद रुक भी जाती है, तो इसके क्या कारण हैं? पीरियड के दौरान कभी कभी जो ब्लड रुक जाता है उसका सबसे कॉमन कारण है कि अगर शरीर में ब्लड की कमी हो तो ब्लीडिंग, जो शरीर का रिजर्व ही कम है तो ब्लीडिंग भी कम होती है। तो सबसे कॉमन यही कारण है जनरली यंग लड़कियों में, और इवन एडल्ट्स में भी यही कारण है। दूसरा रह गया कि अगर कोई डिजीज़ है शरीर के अंदर, जैसे कि एक हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है जिसके कारण की ब्लीडिंग काफ़ी कम होती है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है जिसके कारण कभी कभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी बहुत कम होती है, उसके अलावा भी और कई सारे सपोज़ साइकोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, कुछ कुछ दवाइयाँ हो सकती हैं जो कि ब्लीडिंग को कम कर दे सकती हैं, और कभी कभी मतलब मान लीजिए कि बहुत सारा स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस कभी कभी बच्चों को रहता है, काम का स्ट्रेस रहता है, ऐसा कुछ हो, या फिर कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट या कोई ड्रग्स कोई खाती हो तो ड्रग्स के इफ़ेक्ट के कारण भी, पिल्स जैसे लेते हैं लोग, इन सब के असर से भी खून की मैंने खून का स्राव कम हो जा सकता है। पर है कि घबराने की बात नहीं होती है, जब भी ऐसा कुछ हो तो उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, डॉक्टर से मिलना चाहिए, जांच की जाती है, जांच से कारण का पता लगा कि उसके अकॉर्डिंगली उसकी उसका इलाज किया जाता है। जी मैम, ये तो आपने बताया कि ब्लीडिंग कम हो रही है, अगर किसी की ब्लीडिंग एकदम रुक जाए बिना प्रेगनेंसी के ही, पीरियड्स आना मेनोपॉज के पहले अचानक बंद हो जाए अर्ली 20s में या अर्ली 30s में, तो उसके क्या कारण है? इसके तो बहुत सारे कारण हैं कि पीरियड कभी कभी अचानक ही बिफोर टाइम बंद हो जाए, मतलब मेनोपॉज आना जो एक एज के बाद होता है, और बिफोर उस एज अगर वो बंद हो जाए तो इसके कारण मतलब एक तो है कि ये हार्मोनल्स हो सकता है, दूसरा है एक आजकल PCOD नाम की बीमारी आती है जिसके कारण ब्लीडिंग या तो कम हो सकता है या कभी कभी महीने दो महीने चार महीने ऐसे बंद हो जाता है। उसमें गर्ल्स जो होती है उनका वजन बढ़ने लगता है, थोड़ा थोड़ा हेयर ग्रोथ होने लगता है, जैसे जेंट्स के बियर्ड्स होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, थोड़े थोड़े वैसे हेयर ग्रोथ होने लगे जिसको हम लोग मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ बोलते हैं। उसके अलावा उनके पेट के ऊपर का जो स्किन है उसके ऊपर कुछ कुछ स्किन हेयर आने लगते हैं, कमर की मोटाई बढ़ने लगती है और मेंस कम हो जाता है। तो ये एक PCOD नाम की बीमारी आजकल बहुत कॉमन है जिसमें कि ओवेरियन फंक्शन जो है वो डिक्लाइन कर जाता है, और इसका क्या कारण है अभी तक इसका पूरे तरह से पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन ये आजकल के खान पान और लाइफ स्टाइल के चलते होता है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं और न्यूट्रिशन में ज़्यादा जंक फूड और इस तरह की ऑयली चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा प्लास्टिक का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, पानी के बोतल प्लास्टिक के हैं, खाने के प्लेट्स प्लास्टिक के हैं, थैले प्लास्टिक के हैं, कपड़े प्लास्टिक के हैं, तो इन सबों में जो बिस्फिनॉल नाम का एक केमिकल है वो चला जाता है पानी वानी में खाने की चीज़ों में और वो जाता है शरीर के अंदर, उस पर भी शोध किया जा रहा है। तो ये PCOD का कारण है। दूसरा है अमेनोरिया का कारण कि कभी कभी ओवेरियन फेलियर हो जाता है, हार्मोनल बैलेंस ऐसा कुछ हो जाता है कि जो ओवरीज हैं उनका एक नॉर्मल एज है कि वो 40-45 तक की उम्र तक अपना फंक्शन करते रहते हैं, उससे हार्मोन्स निकलते हैं, यूट्रस में चेंजेस आते हैं, यूट्रस से मेंस्ट्रुएशन होता है। अब अगर ओवेरियन फेलियर हो जाए तो फिर उस स्थिति में भी मेंसेस बंद हो जा सकते हैं। कभी कभी है कि आफ्टर प्रेगनेंसी यदि DNC कराया, किसी ने एबॉर्शन कराया, और एबॉर्शन के दौरान यदि काफ़ी सारा इन्फ्लेमेशन हो गया यूट्रस के अंदर, या फिर जो क्यूरेटाज होता है वो सीवियरली कर दिया जाता है, तो यूट्रस आगे के पीछे के दीवार के साथ सट कर बंद हो जाता है, जिसको कि जिसके कारण कि मेंस का जो कैविटी है वो खुद क्लोज हो जाता है और ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, और भी कई कारण हैं, लेकिन ये खास खास इम्पॉर्टेंट कारण मतलब कॉमन कारण ये सब है। जी।